अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजादी यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं दी रिपोर्टर्स डॉट पी के। अगर आपने हमारी वेबसाइट विज़िट की हो तो उसमें एक सेक्शन जो हमने बनाया हुआ है वो है राइट टू नो या मालूमात तक रसाई का। उर्दू में मालूमात तक रसाई का एक सेक्शन है और इंग्लिश में राइट टू नो का एक सेक्शन है। इस सेक्शन में जो है वो हम जो मालूमात तक रसाई के कवानीन हैं सूबाई और वफाकी सतह पर जो कवानीन बनाए गए हैं उसमें होने वाली डेवलपमेंट्स जो है और उससे मुतलिक जो ख़बरें हैं वो आपके साथ शरीक करते हैं। वो ख़बरें पहले हम टाइप या लिख के जो आपसे शेयर करते थे वेबसाइट पे, तो वही सिलसिला हम जारी रखेंगे और अब हम आपसे वही ख़बरें जो वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी वो भी और रिसेंट डेवलपमेंट भी आपसे वीडियो के फॉर्म में भी शेयर करेंगे। आज एक जनरल जो आप जो बुनियादी मालूमात हैं मालूमात तक रसाई के कानून के हवाले से वो आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के आर्टिकल 19(1) जो है वो हर शहरी को ये हक देता है कि वो मुफाद आमा यानी पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर में किसी भी किस्म की मालूमात जो हैं वो सरकारी महकमों से हासिल कर सकते हैं। ना सिर्फ मालूमात बल्कि आप इनका इस आर्टिकल 19(a) जो है इसके तहत बनने वाली जो कानून साजी है उसके तहत आप दस्तावेज़ात भी हासिल कर सकते हैं महकमों से। ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी ज़ाती मालूमात हों, आप किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के मसले में किसी भी किस्म की मालूमात जो हैं वो उनसे हासिल कर सकते हैं। हर सूबे ने इसके हवाले से मुख्तलिफ कवानीन बनाए गए हैं, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 है और पंजाब में दी पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 है। इसी तरह वफाकी सतह पर जो कानून बनाया है उसका नाम है द राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017। आप किसी भी महकमे को मस्कूरा जो कवानीन हैं जो मैंने आपको बयान किए हैं इनकी तफसील जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इनके तहत आप उनको एक सादा कागज़ पर दरख्वास्त लिखते हैं और उस दरख्वास्त में जो आपको मालूमात चाहिए होती हैं वो उनसे आप उसकी तफसील लिखते हैं या जो दस्तावेज़ात चाहिए होती हैं उनकी तफसील लिख कर वो आप उस महकमे में जमा करा देते हैं और वो महकमा जो है वो आपको 10 से 14 दिन के दरमियान वो मालूमात देने का पाबंद होता है। आपको जो मालूमात चाहिए किसी भी महकमे से उस महकमे के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट यानी उसके जो सरबरा है उसके नाम पर एक सिंपल से दरख्वास्त लिखें और उसमें जो आपको मालूमात चाहिए उसकी तफसील लिखकर आप उस महकमे में जमा करा दें। आप अगर ख़ुद जाकर जमा कराते हैं तो उस सूरत में आपने उस महकमे से रिसीविंग लाजमी लेनी है उसकी फ़ोटो कापी पर। अगर आप बाई पोस्ट जमा कराते हैं तो आपने जो पोस्ट की रिसिप्ट होगी, अगर आप पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू कराते हैं तो उसकी एक रसीद मिलती है, अगर TCS के थ्रू कराते हैं तो उसकी भी एक रसीद मिलती है, वो आपने संभाल के रखनी है। जो आपको मुस्तकबिल में अगर आपको इन्फॉर्मेशन फ्राहम नहीं की जाती तो उस सूरत में आपको शिकायत करने में मुआवनत फ्राहम करेंगी या वो रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है, ताकि वो आपके पास सबूत रहे कि आपने वाकई जो है वो एक इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट जमा कराई है। एक चीज़ जो आपने जो सवाल जब मरतब करें अपने जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो उसमें एक चीज़ का जो ख्याल रखना है कि वो सवाल जो हों वो टू द पॉइंट हों। ऐसा ना हो कि आप जनरल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हों जिसमें उस महकमे को भी मालूमात देने में वो परेशानी का सबब बने या उनको भी क्लियर ना हो कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपको वफाकी कानून के तहत इस्लामाबाद पुलिस से इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जो 2018 से 2019 के दरमियान कितने क्राइम रिपोर्ट हुए हैं, तो बजाय इसके कि आप ऐसा सवाल लिखें कि मुझे 2019 के दरमियान होने वाले तमाम क्राइम्स की तफसील फराहम की जाए, आप इन सवालों को इस तरह बना सकते हैं कि 2018 से 2019 के दरमियान ख्वातीन पर होने वाले तशद्दुद की जो है वो कितने वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह आप उनकी जो ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद की जो FIRs दर्ज हुई हैं उसकी फ़ोटोकॉपी भी मांग सकते हैं। आप इस्लामाबाद पुलिस से ये भी पूछ सकते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस के अपने अहलकारों के ख़िलाफ़ 2019 से 2020 के दरमियान कितनी जो हैं वो FIRs रजिस्टर हुई हैं या उनके खिलाफ़ कितनी महकमाना कार्रवाई की गई हैं और महकमाना कार्रवाई की जो है वो रिपोर्ट्स या उनके खिलाफ़ दर्ज होने वाली FIRs की फ़ोटोकॉपी दीजिए। तो आपको ये दरख्वास्त जमा कराने की किसी भी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है। पहले जो फाकी सतह पर एक ऑर्डिनेंस था उसके तहत आपने 50 रुपये फ़ीस जमा करानी थी, लेकिन अब जो है जो द राइट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2017 बनने के बाद आपको दरख्वास्त जमा कराने की किसी भी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है। अगर आपको महकमा जो है वो मुकर्रर मुद्दत यानी 10 से 14 दिन के दरमियान इन्फॉर्मेशन फराहम नहीं करता तो आपने फिर उसके मुतलका जो कमीशन है उसको शिकायत करनी होती है। कमीशन को शिकायत किस तरह करनी है, उसका तरीक़ाकार क्या है और कमीशन आपको किस तरह मालूमात हासिल करके देता है, इसकी तफसील हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। अभी तक के लिए इतना ही कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसमें आपको जो किस तरह आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इसका एक टेम्पलेट जो है वो या एक सैम्पल इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर करता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी जो दरकार मालूमात हैं उसकी तफसीलात दर्ज करके आप जमा करा सकते हैं। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर ऐड करना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि जो
इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट है वो आपने जब फाइल करें तो जो मुतलका लॉ है, यानी अगर आप केपी के किसी इंफॉर्मेशन की किसी पब्लिक बॉडी से इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं तो आपने केपी के राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ का हवाला देना है। अगर आप पंजाब के किसी महकमे से इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं तो आपने पंजाब का जो लॉ है पंजाब ट्रांसपेरेंसी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 उसका हवाला देना है। इसी तरह आपने अगर वफाकी किसी महकमे से आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं तो आपने वफाकी जो लॉ है जो द राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 कहलाता है उसके तहत आपने अपनी दरख्वास्त में उसका हवाला देकर इंफॉर्मेशन मांगनी है। उसी सूरत में आपकी इंफॉर्मेशन को इंटरटेन किया जाएगा इस कानून के तहत। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह नेगेबान।